आज हम लोग सीटेट के जो विज्ञान के सवाल होते हैं उनमें से कुछ महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे। पहला सवाल है, विज्ञान के शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है, यानी कि विज्ञान जो पढ़ाया जाता है उसके पढ़ाने का सबसे मुख्य उद्देश्य क्या है। पहला ऑप्शन है अनुशासनात्मक उद्देश्य, दूसरा उद्देश्य है सांस्कृतिक मूल्यांकन, सी में ऑप्शन है सामाजिक उद्देश्य और डी में है ये सभी। तो विज्ञान के शिक्षण का सबसे प्रमुख उद्देश्य है ये चारों उद्देश्य, यानी कि ये सभी, यानी कि विज्ञान के शिक्षण का जो है उद्देश्य वो अनुशासनात्मक उद्देश्य भी है, सांस्कृतिक मूल्यांकन भी है, सामाजिक उद्देश्य भी है, यानी कि विज्ञान के शिक्षण का मुख्य उद्देश्य हो गया ये सभी। दूसरा सवाल है, बालकों में हुए परिवर्तन को जानने के लिए किस विधि का प्रयोग उपयुक्त है, यानी कि किसी बालक में जो परिवर्तन होता है तो किस किस विधि की मदद से हम उसको जान सकते हैं। पहला है लिखित परीक्षा, दूसरा है मौखिक परीक्षा, तीसरा है प्रायोगिक परीक्षा और चौथा है ये सभी। तो बालकों में जो परिवर्तन होते हैं उसको जानने के लिए ये सभी विधि जो है उपयुक्त है, यानी कि इसका भी सही ऑप्शन होगा डी नंबर ये सभी। तीसरा सवाल है, विज्ञान शिक्षण में कक्षा को योजनाबद्ध तरीके से ज्ञान देने हेतु यह आवश्यक है कि इकाई को बांटना चाहिए। जब हम कक्षा में विज्ञान पढ़ा रहे होते हैं तब बच्चों को सही तरीके से विज्ञान का शिक्षण जो है वह प्रदान करने के लिए हम लोगों को इकाई को किस चीज में बांटना चाहिए। पहला ऑप्शन है उप विषय में, दूसरा है सिद्धांतों में, तीसरा है संबंधों में और चौथा है पदों में। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो है उप विषयों में, यानी कि प्रत्येक इकाई को, प्रत्येक जो यूनिट है, एक चैप्टर है, उसको कई सारे छोटे छोटे टुकड़ों में, उप विषयों में बांट देना चाहिए, यानी कि इसका सही ऑप्शन होगा ए नंबर उप विषयों में। नेक्स्ट सवाल है, विज्ञान शिक्षण की अभिक्रमिक अनुदेशन विधि के जन्मदाता है, इनका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा बीएफ स्किनर। विज्ञान शिक्षण की अभिक्रमिक अनुदेशन विधि के जन्मदाता बीएफ स्किनर है। नेक्स्ट सवाल है, विज्ञान में प्राप्य उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु ध्यान रखा जाता है, यानी कि जब विज्ञान का जब शिक्षण होता है तो उसका उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, यानी कि जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो उसका जो उद्देश्य है पढ़ाने का उसके लिए हमको क्या क्या चीज ध्यान में रखनी चाहिए। पहला ऑप्शन है बालक की आवश्यकताएं एवं योग्यताएं, दूसरा ऑप्शन है विषय वस्तु की प्रकृति, तीसरा ऑप्शन है बालक के विकास तथा सीखने के नियम और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो विज्ञान के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हमको चारों चीज का ध्यान रखना होगा, यानी कि इसका सही ऑप्शन होगा उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी का ध्यान रखना होगा, बालक की आवश्यकताएं एवं योग्यताएं, विषय वस्तु की प्रकृति, बालक के विकास एवं सीखने के नियम, इन सभी का ध्यान विज्ञान के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से विज्ञान शिक्षण की अमनोवैज्ञानिक विधि है, निम्न में से विज्ञान शिक्षक की अमनोवैज्ञानिक विधि है कौन सी विधि जो वैज्ञानिक नहीं है, विज्ञान शिक्षण के लिए कौन सी विधि वैज्ञानिक विधि नहीं है। अमनोवैज्ञानिक मतलब कौन सी विधि मनोवैज्ञानिक विधि नहीं है, तो इसमें जो है वो
व्याख्यान विधि होगा, क्योंकि व्याख्यान विधि कहते हैं कि लेक्चर दे देना, आए हम बोल दिए और चले गए। तो ये चीजें जो है कला के क्षेत्र में हो सकती है, विज्ञान के क्षेत्र में केवल लेक्चर दे करके चले जाना वो नहीं हो सकता है, व्याख्यान दे करके चले जाना ये नहीं हो सकता है। इसलिए व्याख्यान विधि को विज्ञान शिक्षण में अमनोवैज्ञानिक विधि कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट पद्धति में कमी है, प्रोजेक्ट जो देते हैं बच्चों को उस पद्धति में क्या कमी है? प्रोजेक्ट पद्धति में कमी है क्योंकि इसमें पहला ऑप्शन है, बालकों में सामाजिक भावना और सहयोग की भावना उत्पन्न नहीं होती। दूसरा है, बालकों में विधि पूर्वक कार्य करने की क्षमता उत्पन्न नहीं होती। तीसरा ऑप्शन है, इसमें रटने को प्रोत्साहन मिलता है। चौथा ऑप्शन है, इस विधि में जांच और परीक्षा का कोई स्थान नहीं है। तो प्रोजेक्ट विधि में कमी क्या है कि प्रोजेक्ट विधि में जांच परीक्षा का कोई स्थान नहीं है, यानी कि इसका सही ऑप्शन डी होगा। प्रोजेक्ट पद्धति में कमी है क्योंकि इस विधि में जांच एवं परीक्षा का कोई स्थान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटक शिक्षण सोपान है, नाटक शिक्षण सोपान है। ऑप्शन है उद्देश्य निर्धारण, दूसरा ऑप्शन है पूर्व विज्ञान, तीसरा ऑप्शन है प्रस्तावना और चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा नाटक शिक्षण सोपान है वो उद्देश्य निर्धारण है, यानी कि हम उद्देश्य जो पढ़ाने का उद्देश्य है वो हम निर्धारित कर सकते हैं नाटक शिक्षण सोपान के द्वारा, यानी कि सही ऑप्शन ए होगा, उद्देश्य निर्धारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान के अध्ययन से व्यक्ति सचेत होकर क्रमानुसार कार्य करने लगता है, यह विचार प्रतिपादित किया। यानी कि विज्ञान के अध्ययन करने से कोई व्यक्ति सचेत होकर के क्रमानुसार यानी कि क्रमबद्ध रूप से काम करने लगता है, यह विचार किसने प्रतिपादित किया? पहला ऑप्शन है न्यूटन ने, दूसरा ऑप्शन है आर्मस्ट्रांग ने, तीसरा ऑप्शन है सस्पेंसर ने और चौथा ऑप्शन है ड्यूबी ने। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा, यह विचार प्रतिपादित किया था आर्मस्ट्रांग ने, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही होगा, आर्मस्ट्रांग इस सिद्धांत को, इस विचार को प्रतिपादित किया था कि विज्ञान के अध्ययन से व्यक्ति सदैव सचेत होकर क्रमानुसार कार्य करने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्वेषण प्रणाली का एक प्रमुख दोष है कि, अन्वेषण प्रणाली यानी जिसको हम लोग खोज प्रणाली भी कहते हैं, यानी कि जिसमें हम किसी चीज को खोजते हैं, अमूर्त से मूर्त की तरफ जाते हैं, यानी कि जो चीज नहीं है उससे खोजते हैं जो चीज है। तो जो अन्वेषण प्रणाली है, खोज विधि, उसका एक प्रमुख दोष है, उसका दोष क्या है? उसमें जो ऑप्शन है वो है गृह कार्य बहुत दिया जाता है, दूसरा ऑप्शन है व्यावहारिक रूप में अत्यधिक खर्चीली है, तीसरा ऑप्शन है छात्रों में मनोवैज्ञानिक जिज्ञासा पैदा नहीं करती और चौथा ऑप्शन है अवैज्ञानिक तथा अव्यवहारिक है। तो अन्वेषण प्रणाली का सबसे प्रमुख दोष यह है कि यह व्यावहारिक रूप से बहुत अधिक खर्चीली विधि है, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट सवाल है, विद्यालय ज्ञान पर बालक दैनिक जीवन में विज्ञान संबंधी शांत का प्रयोग अपनी रुचि और योग्यता बढ़ाने हेतु किस माध्यम से कर सकते हैं? विद्यालय ज्ञान पर बालक दैनिक जीवन में विज्ञान संबंधी शांत का प्रयोग अपनी रुचि और योग्यता बढ़ाने हेतु किस माध्यम से कर सकते हैं? पहला ऑप्शन है दृश्य श्रव्य साधनों द्वारा,
दूसरा ऑप्शन है पुस्तकालय द्वारा, तीसरा है प्रयोगशाला द्वारा और चौथा ऑप्शन है विज्ञान क्लबों द्वारा। तो इसका सही ऑप्शन होगा विज्ञान क्लबों द्वारा। बालक अपने दैनिक जीवन में विज्ञान संबंधी जिज्ञासा को शांत करने हेतु वो कर सकता है, अपनी रुचि बढ़ाने के लिए, योग्यता बढ़ाने के लिए विज्ञान क्लबों का उपयोग कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अन्वेषण विधि के संदर्भ में गलत कथन, यानी कि खोज विधि जो है उसमें इस ऑप्शन में से क्या गलत है। पहला ऑप्शन है इस विधि से छात्र में सोचने, विचारने, निरीक्षण करने एवं परीक्षण कर निष्कर्ष निकालने की शक्ति का विकास होता है। दूसरा ऑप्शन है छात्र निष्क्रिय रहते हैं तथा इससे अर्जित ज्ञान अस्थायी होता है। तीसरा ऑप्शन है यह विधि मनोवैज्ञानिक है तथा अनुकूल रुचियों एवं आदतों का विकास करती है। चौथा ऑप्शन है वैज्ञानिक अभिरुचि एवं दृष्टिकोण उत्पन्न करती है। तो अन्वेषण विधि के संदर्भ में गलत कथन यह है कि छात्र निष्क्रिय रहते हैं तथा इससे अर्जित ज्ञान अस्थायी होता है, ये ऑप्शन गलत है, इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विज्ञान संबंधी नवीनतम सूचनाएं प्रेषित करने हेतु प्रयोगशाला के बाहर क्या लगाना चाहिए। पहला ऑप्शन है प्रोजेक्टर, दूसरा ऑप्शन है चित्र एवं रेखा चित्र, तीसरा ऑप्शन है बुलेटिन बोर्ड और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो विज्ञान संबंधी नवीनतम सूचनाएं प्रेषित करने हेतु प्रयोगशाला के बाहर ये सारी चीजों को लगाया जाता है, यानी कि इसका सही ऑप्शन डी नंबर होगा। समस्या समाधान विधि निर्देश की वह विधि है जिसके द्वारा सीखने की प्रक्रिया को उन चुनौतीपूर्ण स्थितियों को सृजन द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है जिनका समाधान करना आवश्यक है। यह कथन किसने दिया था? सवाल है समस्या समाधान विधि निर्देश की वह विधि है जिसके द्वारा सीखने की प्रक्रिया को उन चुनौतीपूर्ण स्थितियों को सृजन द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है जिनका समाधान करना आवश्यक है। यह कथन है पहला ऑप्शन है प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग का, दूसरा ऑप्शन है जॉन डीवी का, तीसरा ऑप्शन है वुड का और चौथा ऑप्शन है डेविड वारविक का। तो इसका सही ऑप्शन होगा वुड का, प्रोफेसर वुड ने यह कथन दिया था। अगला सवाल है भारतीय विज्ञान शिक्षण सर्वाधिक प्रभावित है, यानी कि भारत में जो विज्ञान का शिक्षण है वह सबसे अधिक किस देश से प्रभावित है। पहला ऑप्शन है इंग्लैंड से, दूसरा है फ्रांस से, तीसरा ऑप्शन है कनाडा से और चौथा ऑप्शन है जर्मनी से। तो इसका सही आंसर होगा इंग्लैंड से, यानी कि ए नंबर इसका सही आंसर होगा, भारतीय विज्ञान शिक्षण सर्वाधिक प्रभावित इंग्लैंड से है। अगला सवाल है विज्ञान शिक्षण के ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित है, विज्ञान शिक्षण के ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित है। पहला ऑप्शन है बोध एवं प्रयोग, दूसरा ऑप्शन है ग्रहण करना एवं प्रतिक्रिया, तीसरा ऑप्शन है उत्तेजना कार्यवाही और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन होगा बोध एवं प्रयोग, विज्ञान शिक्षण के ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित है बोध एवं प्रयोग, यानी कि ए ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल है प्रयोगशाला विधि में, प्रयोगशाला विधि में क्या होता है। पहला ऑप्शन है बालक नियम, तथ्य एवं सिद्धांतों की स्वयं जांच करता है, दूसरा ऑप्शन है बालक व्यवहारिक एवं जीवन उपयोगी ज्ञान प्राप्त नहीं करता है, तीसरा ऑप्शन है बालक में सहानुभूति व सहयोग की भावना विकसित नहीं होती है, चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो
प्रयोगशाला विधि में क्या होता है, बालक नियम तथ्य एवं सिद्धांत की स्वयं जांच करता है, यानी कि इसका सही ऑप्शन ए नंबर होगा। अगला सवाल है, विज्ञान शिक्षण छात्र के व्यक्तित्व के गुणों को विकसित करता है। इसका ऑप्शन है नियमितता, परिशुद्धता, क्रियात्मकता और इनमें से सभी। तो विज्ञान शिक्षण छात्र के व्यक्तित्व के सभी गुणों को विकसित करता है, यानी कि इनमें से सभी, यानी कि डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट सवाल है, मुदालियर कमीशन ने विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य स्वीकार किए। मुदालियर कमीशन ने विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य स्वीकार किए। पहला ऑप्शन है बालकों में व्यवस्थित रूप से सोचने की आदत का विकास। दूसरा ऑप्शन है बालकों में प्राकृतिक घटनाओं के सूक्ष्म प्रेषण, खोज, वर्गीकरण की योग्यता विकसित करना। तीसरा ऑप्शन है गणनात्मक, रचनात्मक एवं गवेषणात्मक शक्तियों को विकसित करना। और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो मुदालियर कमीशन विज्ञान शिक्षण के इन सभी उद्देश्यों को स्वीकार किया था, इसलिए इसका सही ऑप्शन डी होगा। विज्ञान के सहसंबंध के प्रकार हैं। विज्ञान के सहसंबंध के प्रकार हैं कौन कौन से सहसंबंध है? एकिक सहसंबंध, पारस्परिक सहसंबंध, गुणांक सहसंबंध और चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो विज्ञान के सहसंबंध के ये सभी प्रकार हैं, यानी कि इसका सही ऑप्शन होगा इनमें से सभी। अगला सवाल है, विज्ञान मेला प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया जाता है। विज्ञान मेला में क्या क्या प्रदर्शित किया जा सकता है? विज्ञान संबंधित फिल्मों को। दूसरा ऑप्शन है चित्र एवं मॉडल को। तीसरा ऑप्शन है वैज्ञानिक सूचनाएं एवं संग्रहित वस्तुओं के नमूनों को। चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी को। तो विज्ञान मेला में हम इन सभी को प्रदर्शित कर सकते हैं, इसलिए इसका सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी को। अगला सवाल है, विज्ञान शिक्षण में कौशल में प्रयोग से छात्रों में परिवर्तन आएंगे। विज्ञान शिक्षण में कौशल में प्रयोग से छात्रों में क्या परिवर्तन आएंगे? पहला ऑप्शन है हाथ से सही आकृतियां खींचना, यानी कि चित्र बनाना, सही ढंग से मापन, तालिका को शीघ्र एवं सही पढ़ना और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो जब विज्ञान शिक्षण में कौशल का प्रयोग करते हैं तो बच्चे इन सभी चीजों को सीखते हैं, अर्थात इसका भी सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। अगला सवाल है, विज्ञान शिक्षण के क्रियात्मक पक्ष का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। विज्ञान शिक्षण का जो क्रियात्मक पक्ष है उसका वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? पहला ऑप्शन है बीएस ब्लूम ने, दूसरा ऑप्शन है कर्थवाल ने, तीसरा ऑप्शन है सिंपसन ने और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो क्रियात्मक पक्ष को सिंपसन ने प्रस्तुत किया था, इसलिए इसका सही उत्तर सी होगा। अगला सवाल है, शिक्षा शिक्षण का लक्ष्य है। शिक्षा शिक्षण का लक्ष्य है, पहला ऑप्शन है शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन, दूसरा ऑप्शन है तर्क शक्ति का विकास, तीसरा ऑप्शन है दैनिक जीवन से बंधी समस्याओं का हल और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो शिक्षा शिक्षण का ये सारा लक्ष्य है, इसलिए इसका भी सही ऑप्शन डी होगा। अगला सवाल है, पाठ योजना की पंचपवीय प्रणाली है। पाठ योजना की पंचपवीय प्रणाली है, किसने दिया था इस प्रणाली को यह है? तो पहला ऑप्शन है मॉरिसन की, दूसरा है फ्राबेल की, तीसरा है हर्बर्ट की और चौथा है ब्रूनर के द्वारा। तो पंचपवीय प्रणाली जो है ये हर्बर्ट के द्वारा दिया गया था, इसलिए इसका सही उत्तर सी होगा। अगला सवाल है, प्रोजेक्ट वह उद्देश्यपूर्ण क्रिया है जिसे लगन के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाता है।
योजना विधि की यह परिभाषा दी, यानी कि योजना विधि का यह परिभाषा किसने दिया कि प्रोजेक्ट वह उद्देश्यपूर्ण क्रिया है जिसे लगन के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाता है। पहला ऑप्शन है हेनरी किलपैट्रिक ने, दूसरा है जॉन डेवी ने, तीसरा ऑप्शन है आर डब्ल्यू स्टीफेंसन और चौथा ऑप्शन है डेविड वार्विक। तो इसका उत्तर होगा हेनरी किलपैट्रिक ने, यानी कि पहला ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल है विज्ञान शिक्षण में दृश्य श्रव्य साधनों के प्रकार होते हैं। दृश्य श्रव्य साधन यानी कि जिसको हम देख सकते हैं और सुन सकते हैं। तो विज्ञान शिक्षण में दृश्य श्रव्य साधनों के प्रकार होते हैं। पहला ऑप्शन है दो, दूसरा ऑप्शन है चार, तीसरा ऑप्शन है तीन और चौथा ऑप्शन है पांच। तो दृश्य श्रव्य साधनों के तीन प्रकार होते हैं। अगला सवाल है विज्ञान शिक्षण में अनुमूल्यन से आशय है। अनुमूल्यन मतलब छोटा छोटा जो मूल्य करते हैं, मतलब उसका जो देखते हैं, उसका जो करते हैं हम लोग, तो वो अनुमूल्यन मतलब छोटा छोटा चीज, उससे क्या आशय है। तो उसका पहला ऑप्शन है मूल्यों के प्रति आस्था, दूसरा ऑप्शन है मूल्यों का विरोध, तीसरा ऑप्शन है मूल्य वसूल करना और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन सही लग रहा है कि पहला ऑप्शन होगा मूल्यों के प्रति आस्था, इसलिए ए ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल है विज्ञान शिक्षण के भावात्मक पक्ष का वर्गीकरण किया। विज्ञान शिक्षण के भावात्मक पक्ष का वर्गीकरण किया किस वैज्ञानिक ने यह किया। पहला ऑप्शन है बी एस ब्लूम, दूसरा ऑप्शन है ब्लूम कर्थवाल व महिषा ने, तीसरा ऑप्शन है सिंपसन ने और चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो विज्ञान शिक्षण के भावात्मक पक्ष का वर्गीकरण ब्लूम कर्थवाल व महिषा ने किया था, इसलिए सही ऑप्शन बी होगा। अगला सवाल है विज्ञान शिक्षण के उपागम है। विज्ञान शिक्षण के क्या क्या उपागम है। तो पहला ऑप्शन है विकासात्मक प्रतिमान, दूसरा ऑप्शन है संप्रत्यय निष्पत्ति प्रतिमान, तीसरा ऑप्शन है अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो विज्ञान शिक्षण के ये सभी उपागम है, इसलिए इसका सही ऑप्शन डी नंबर होगा। अगला सवाल है विज्ञान शिक्षण में कौशल प्रायोज्य है। पहला ऑप्शन है लेखा चित्र, दूसरा ऑप्शन है चार्ट, तीसरा ऑप्शन है ग्राफ खींचने के सारणी का प्रयोग और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो इनका ये डी नंबर ऑप्शन होगा उपर्युक्त सभी। अगला सवाल है विज्ञान विषय का दैनिक जीवन से सहसंबंध स्थापित करने हेतु अत्यंत आवश्यक है। यानी कि जब विज्ञान विषय को पढ़ाया जाता है तो उसका दैनिक जीवन से संबंध स्थापित करने हेतु सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है। पहला ऑप्शन है पर्यटन, दूसरा ऑप्शन है वैज्ञानिक प्रयोगशाला या प्रयोग, तीसरा ऑप्शन है छात्रों की जिज्ञासा शांति जो विभिन्न घटनाओं से संबंधित होती है, और चौथा ऑप्शन है विज्ञान के पाठ्यक्रम को कक्षा में ही पूर्ण करना। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, छात्रों की जिज्ञासा शांति को से संबंधित होता है। अगला सवाल है विज्ञान शिक्षण के लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। विज्ञान शिक्षण के लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। पहला ऑप्शन है सीखने का उचित वातावरण तैयार करने हेतु, दूसरा ऑप्शन है अध्यापक के एक निर्देशक के रूप में सहायता करने हेतु, तीसरा ऑप्शन है छात्र व शिक्षक के बीच उचित तालमेल और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो विज्ञान शिक्षण के लक्ष्य में ये सारे चीज होते हैं, यानी कि सही उत्तर जो है उपर्युक्त सभी होगा। अगला सवाल है विज्ञान शिक्षण में कार्यवाही से आशय है। कार्यवाही से क्या आशय है। पहला ऑप्शन है शिक्षक द्वारा दंडात्मक कार्यवाही, दूसरा ऑप्शन है छात्र द्वारा गृह कार्य, तीसरा ऑप्शन है बालक द्वारा उत्तेजना के आधार पर गत्यात्मक क्रिया संपादित करना
और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो विज्ञान शिक्षण से कार्यवाही से आशय है बालक द्वारा उत्तेजना के आधार पर गत्यात्मक क्रिया संपादित करना, यानी कि सही उत्तर सी होगा। और अगला सवाल है प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य निर्धारित करने के आधार पर होने चाहिए। पहला ऑप्शन है अध्यापक की योग्यता, दूसरा ऑप्शन है विद्यालय में प्राप्त साधन, तीसरा ऑप्शन है छात्र की आवश्यकता है, और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो समान विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य निर्धारित करने का आधार छात्र की आवश्यकताएं होती है, इसलिए उत्तर जो है वो सी होगा। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।